मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का टिकट कटने के बाद विरोध के सुर तेज हो गए हैं। बुरहानपुर में समर्थकों ने नंदू भैया अमर रहे, निमाड़ के नंदू भैया के नारे लगाए। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। टिकट बंटने के बाद राजनीतिक दलों को कुछ सीटों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह के बेटे हर्षवर्धन सिंह का टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई है। शनिवार को हर्षवर्धन सिंह के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान अमर रहे, निमाड़ के नंदू भैया की जमकर नारे लगाए गए थे। बता दें, इसके बाद रविवार को हर्षवर्धन सिंह बुरहानपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान हर्षवर्धन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार दूसरी बार निमाड़ की जनता के साथ फरेब हुआ है, हमें धोखे में रखा गया। पहले ही बीजेपी ने कहा था कि हारे हुए को टिकट नहीं दिया जाएगा और जो कि निर्दलीय से हारे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। हर्षवर्धन ने कहा कि वो जनता के सेवक हैं, जनता से चर्चा करेंगे, जो मालिक कहेगा वो सेवक करेगा। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जनता और मालिक कहेंगे वो मैं करूंगा। वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। दूसरी बार निमाड़ की जनता के साथ फरेब हुआ, जनता का सेवक हूँ और जो मालिक कहेगा वो सेवक करेगा।